एक बार हड्डे में बहुत जोर से खाया मैंने, कैसे पता है कि बहुत जोर से, मतलब लड़की ने मुझे थप्पड़ भी मारा हड्डे में। वो लड़की दूसरा कोई नहीं, मेरा गर्लफ्रेंड मुझे बहुत जोर से मारा। एक बार हड्डे का सीजन था, मतलब फेब्रुआरी का महीना का सीजन था, वो वैलेंटाइन हड्डे ये सब चल रहा था। एक दिन हड्डे में सुबह 1 बजे मुझे मैसेज किया हैप्पी हड्डे बोल के, और सब छोटा मोबाइल था। और ऐसा हुआ कि वो मुझे बार 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 मुझे मैसेज करके एक ही बात बोल रहे कि मुझे अभी हक चाहिए, हक दो, आके हक दो, आके हक दो। मैं बोला कहाँ में हकना है, बोला कि मेरा गेट के सामने हक के जाओ, हक दे के जाओ। मैं बोला हक दे के जाओ तुम्हारा गेट के सामने, और पहले छोटा मोबाइल क्या होता था 100 ही मैसेज जाता था एक दिन, मुझसे ज़्यादा जाता नहीं था। तो 1 घंटे में हम बोला नहीं इतना रात का माने नहीं सहेगा, अभी मेरा मन भी नहीं है, अभी हकने का भी मन होता है ना, अभी मेरा मन नहीं है। लेकिन मुझे भी पता नहीं था कि हक दे का मतलब गला मिलाना होता है, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम का नहीं था और मेरा गर्लफ्रेंड था हिंदी मीडियम, मैं था हिंदी मीडियम का, मेरा गर्लफ्रेंड था इंग्लिश मीडियम का। तो 1 घंटा में इतना ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हुआ, मतलब 100 मैसेज ख़त्म, मेरा भी ख़त्म उसका भी ख़त्म, अभी कुछ बोलने भी नहीं सक रहे, और गर्लफ्रेंड का बात है मानना भी पड़ेगा। हम क्या किया, रात को 1 बजे तक तो आर्ग्यूमेंट हुआ, बस मैसेज नहीं जा रहे, बस 3 बजे मुझे मेरा इतना ज़ोर से हाका लगा। तो तब मेरा याद आ रही, गर्लफ्रेंड भी बोला कि हक दे के जाओ उसका गेट का सामने। तो तब मेरा मोबाइल में बैलेंस भी नहीं था, सिर्फ मैसेज बैलेंस था, बात भी करने नहीं। चलो गर्लफ्रेंड ने बोला तो क्या किया, बाद में जाकर उसका गेट के सामने मैं हक के आ गया, बोला गर्लफ्रेंड ने बोला हक दे के जाओ। और मुझे भी पता नहीं था कि हक का मतलब क्या होता है, गला मिलाना बोलते हैं। और गर्लफ्रेंड भी बोला इस टाइप का बोला कि हक दे के जाओ गेट के सामने, हक दो, आके हक दो। मुझे क्या पता था, और क्या बोलूँ, अगला दिन खाया, जिस दिन मतलब सुबह हुआ था उस दिन हम खाया था अंडा, 12 आना 13 अंडा खाया था रात को, और इतना ज़्यादा गंद, बहुत ज़्यादा गंद। बस उसका गेट के सामने जाके मैं हक के आ गया। बस अगला दिन मुझे आया स्कूल में, मतलब मेरा भी दूसरा स्कूल था उसका भी दूसरा स्कूल था, मुझे स्कूल के सामने आके बोला कल तुमको बुलाया तुम हक दे के नहीं गया। मैं बोला क्या बोलते, मैं तो हक के आया तुम्हारे घर के सामने। बोला साला तू ही हक के आया क्या मेरे घर के सामने, हाँ तुमने ही बोला हक दे के आओ, हक दे के जाओ गेट के सामने। तो मैं क्या करूँ, मैं मुझे पता नहीं था मैं हक दा। बोला साला बोल के मुझे इतना जोर से थप्पड़ दिया, वो थप्पड़ आज भी मेरे, वो आगे का बात सुनने से मेरा आज भी वो थप्पड़ का याद होता है।